हे बॉयज गर्ल्स एंड किड्स, हम लोग हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनका रेलिवेंस नेशनल लेवल पे भी है। पिछली बार हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के जो ट्राइब्स हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनको स्टडी किया था। आज हम लोग जो हिमाचल प्रदेश को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है इंडिया में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये वीडियो इंडिया में जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, जो कुछ स्टेट्स को मिला हुआ है, जो 11 स्टेट्स को मिला हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स का जो रिलेशन है 14th फाइनेंस कमीशन से, जिसकी रिपोर्ट 2015 में लागू कर दी गई थी, उसके बारे में भी जानेंगे। तो हियर वी गो। सो ऐसा है कि भारतीय संविधान में कहीं भी किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देने का प्रावधान नहीं दिया गया है। तो जो भी ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का स्टोरी है, सारा ड्रामा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, सो अब क्वेश्चन रेज होता है कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जरूरत क्या पड़ गया। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया में जहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वहाँ का जो टेरेन है वो हिली टेरेन है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, मतलब उनका जो बाउंड्री है वो किसी दूसरे देश के साथ लगता है। इसके साथ वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो सकता, और जिस वजह से फाइनेंशियली ये स्टेट्स कमज़ोर रह जाती हैं। अब ऐसी स्टेट्स को कुछ एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत होती है, जो कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू प्लानिंग कमीशन प्रोवाइड कर रहा था, जब तक प्लानिंग कमीशन एग्जिस्टेंस में था। नया गवर्नमेंट जो आया, बीजेपी लेड गवर्नमेंट जब आया 2014 में, तो ये प्लानिंग कमीशन हटा के नीति आयोग बना दिया गया। सो ओवरऑल अच्छा एजुकेशन के लिए, अच्छे हेल्थ स्टैंडर्ड के लिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको ऊपर उठाने के लिए, और ऐसे स्टेट्स को एक तरह से उनकी जो वल्नरेबिलिटी है उसको कम करने के लिए इस तरह का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि इसका शुरुआत कब हुआ, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का स्टेटस का जो शुरुआत है इंडिया में वो कब से हुआ। 1969 में गॉडगिल, जो कि प्लानिंग कमीशन के एक सदस्य थे उस टाइम, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि कुछ स्टेट्स को हम लोग एक्स्ट्रा फंड अलॉट करेंगे प्रायोरिटी के बेसिस पे, प्रायोरिटी पे, और जो ऐसी स्टेट्स होंगी उनका बेस ये रहेगा कि यहाँ पे हिली टेरेन होगा, बैकवर्डनेस होगी, और कोई और तरह की सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इन स्टेट्स को प्रायोरिटी में पैसा अलॉट करने के बाद जो पैसा बच जाएगा वो अलग अलग क्राइटेरियाज के ऊपर बाकी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो क्या होता है, 1969 में तीन स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाता है। उनको जो फंड्स हैं वो प्रायोरिटी के हिसाब से अलॉट कर दिए जाते हैं। धीरे धीरे कुछ और स्टेट्स भी इस कैटेगरी में आ जाती हैं, और 2010 में उत्तराखंड जो है वो फाइनल स्टेट इस कैटेगरी में आती है। टोटल स्टेट्स 11 हो जाती हैं, जिसमें 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, 1 सिक्किम है 8वां, 3 स्टेट्स जो हैं वो वेस्टर्न हिमालयाज में हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाली स्टेट है। अभी हम बात करेंगे कि कोई कौन और जो स्टेट्स हैं हिमाचल इंडिया में वो इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रही हैं। तो बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ऐसी स्टेट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस पाने के लिए डिमांड कर रही हैं बहुत टाइम से। अब क्वेश्चन रेज होता है कि ऐसे कौन से क्राइटेरिया हैं जिनकी बेसिस पे हम लोग किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देते हैं। कुछ एक पॉइंट्स फॉर्म में आपके सामने स्क्रीन में आप देख रहे हो कि वो पर्टिकुलर स्टेट का जो जियोग्राफी है वो हिली होनी चाहिए, डिफ़िकल्ट टेरेन होना चाहिए। सेकेंडली, जो उसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए, और उसमें उस स्टेट में एक साइजेबल नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही उसका जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह होनी चाहिए, मीन्स के वो किसी इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पर वो एक सेंसिटिव एरिया हो, जैसे कि चाइना के साथ लगता हुआ बॉर्डर है, या फिर आगे म्यांमार के साथ लगता हुआ बॉर्डर है। इस तरह की जो स्टेट्स हैं, जो वल्नरेबल स्टेट्स हैं एक तरह से, इसके साथ साथ ही वहाँ का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ा पुअर होनी चाहिए, वल्नरेबल होनी चाहिए और बैकवर्ड होनी चाहिए।
अब बात आती है कि अगर हम किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे भी देते हैं तो उस स्टेट को क्या फ़ायदा है। होता क्या है कि ऐसी स्टेट में जो एक्साइज ड्यूटी है उनमें कंसेशन दे दिया जाता है, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो अपनी जो ब्रांचेज हैं वहाँ पे खोलती हैं, इंडस्ट्रीज वहाँ पे खुलती हैं। इंडस्ट्री खुलने के साथ साथ ही जो वहाँ पे लैंड एक्विजिशन होगा या फिर जो एक सब्सिडरी इंडस्ट्रीज वहाँ पे खुलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो इस वजह से अलग अलग तरीके से वहाँ उस स्टेट में इनकम जनरेट होती है, पैसा आता है और उस स्टेट का थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है। इसी के साथ साथ एक जो स्पेशल कंसेशन है ऐसी स्टेट्स को वो होता है जो लोन्स और ग्रांट के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पैसा दिया जाता है। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होती हैं उनको 10% जो किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगना होता है वो सेंट्रल एज ए लोन देती है और बाकी का 90% होता है उस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट का 90% होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दे देती है। मींस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल में कोई प्रोजेक्ट लगना है 100 करोड़ रुपए का, तो उसमें जो 90 करोड़ रुपए है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए ग्रांट दे देगी, मतलब वो 90 करोड़ हमें वापस नहीं करने होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो 10 करोड़ होता है वो हिमाचल प्रदेश उस प्रोजेक्ट में लगाती है। इसके दूसरी तरफ जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स हैं उसमें ये रेशो 60:40 रहता है, मतलब 60% जो पैसा है वो लोन्स की फॉर्म में उन स्टेट्स को मिलेगा और 40% जो है वो ग्रांट के तौर पे मिलेगा। तो रिसेंटली ये टॉपिक न्यूज़ में किस लिए था, तो क्या होता है कि आंध्र प्रदेश में काफ़ी एजिटेशन हो रहा है, अभी न्यूज़ में भी आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश को 2014 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मिस्टर मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने एक तरह से वर्बली ये बोला था कि हम आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे देंगे, तो उसी के बाद ये सारा एजिटेशन शुरू हुआ। अभी हाल ही में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने ये क्लियर किया कि हम आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो 14th फाइनेंस कमीशन की रेकमेंडेशंस हैं या फिर सुझाव हैं उसमें 11 स्टेट्स ही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के हिसाब से बेनिफिट उठा सकती हैं और किसी भी स्टेट को ये नहीं दिया जा सकता। इसके साथ साथ जो क्राइटेरिया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का किसी स्टेट को, वो होता है वहाँ की रफ टोपोग्राफी और एक साइजेबल नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, इसके साथ जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो लो होनी चाहिए उस स्टेट की। तो जो ये 2-3 स्टेट्स हैं, उड़ीसा है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, ये इन कैटेगरीज को फुलफ़िल नहीं करती हैं, इन क्राइटेरियाज को फुलफ़िल नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है, कंपैरेटिवली प्लेन एरिया है और यहाँ पे रिसोर्सेज भी अच्छे खासे हैं जो कि अंडर यूटिलाइज्ड हैं। और फाइनली 14th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से भी ये उस डेफिनेशन के बाहर हैं ये स्टेट्स, इसलिए इन स्टेट्स को जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या बिहार है, इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, 14th फाइनेंस कमीशन जो है वो 2015 में उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो लागू कर दी गई इंडिया में। नीति आयोग जब बन गया तो उसके बाद नीति आयोग के पास किसी तरह की कोई पावर नहीं रह गई कि वो किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दे। और 2014 में नीति आयोग बन गया था, है ना, तो 14th फाइनेंस कमीशन ने ये क्लियर कर दिया कि ये 11 स्टेट जो ऑलरेडी हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में वही इसका बेनिफिट उठाएंगी। इसमें क्या हुआ, जो 14th फाइनेंस कमीशन है उसने ऑलरेडी जो स्टेट्स को फंड दिए जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो 32% से बढ़ाकर 42% कर दिए। तो इसके साथ ये भी दलील दिया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश को ऑलरेडी 42% फंड मिल रहा है, तो दे डोंट रिक्वायर टू गेट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एट द सेम टाइम। अब बात करते हैं कुछ स्टेट्स का जो बैकवर्डनेस है, कुछ स्टेट्स को बैकवर्ड स्टेट्स का दर्जा भी दिया जाता है। तो बैकवर्डनेस आखिरकार है क्या? ऐसा होता है कि किसी स्टेट में अगर उसके डेवलप होने का पोटेंशियल है और ऐसा हम लोग जैसे स्टडी करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि वहाँ के रिसोर्सेज से हम लोग प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं और उस स्टेट में पोटेंशियल है कि वो अगर अच्छे से एडमिनिस्टर किया जाए उस स्टेट को तो वो डेवलप कर सकती है। तो इस तरह की जो स्टेट है जो कि अंडर यूटिलाइज्ड है या माल गवर्नड है एक तरह से, उन स्टेट्स को बैकवर्ड स्टेट्स का दर्जा दे दिया जाता है। अगेन ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है। क्या होता है, 2005 में मिनिस्ट्री टास्क ग्रुप बनाया जाता है, इंटर मिनिस्ट्री टास्क ग्रुप बनाया जाता है, वो क्लियर करता है कि 170 जो स्टेट्स हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में, वो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं और इसमें जो 55 डिस्ट्रिक्ट हैं वो जो नक्सल इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे प्रेजेंट हैं। और ओवरऑल जो स्टडी किया इस इंटर मिनिस्ट्री टास्क ग्रुप ने
उससे ये नतीजा निकला या ये निचोड़ निकला कि ये जो स्टेट्स हैं या ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 170 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि ये उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये लोग ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये बैकवर्ड हैं। ना कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं 11 उनकी तरह यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है। तो जो तीन करैक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी स्टेट को या किसी भी डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड रीजन घोषित करने के लिए, वो होता है कि यहाँ पे या इस पर्टिकुलर रीजन में क्या पोटेंशियल है, और अगर पोटेंशियल है तो कौन से इनहिबिटिंग फैक्टर्स इसकी ग्रोथ को बाधा पहुंचा रहे हैं या रोक रहे हैं, और ऐसे क्या प्रोग्राम किए जा सकते हैं जिससे ये इनहिबिटिंग फैक्टर्स बंद हो जाएं और ये जो रीजन है ये ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो जाए। तो कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि किसी एरिया को बैकवर्ड रीजन घोषित करने के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे डेथ रेट हो गया उस एरिया का, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है तो उसका क्या सक्सेस रेट है, फीमेल लिटरेसी कैसे चल रहा है, जो अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स है प्रोग्राम्स है उसमें किस तरह का एनरोलमेंट देखने को मिल रहा है, स्कूलिंग फैसिलिटी किस तरह की है, स्पेशली जो सेकेंडरी स्कूलिंग फैसिलिटी है, इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वहाँ के हाउस होल्ड्स का वो किस लेवल पे हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर का क्या है, 500 मीटर के अंदर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इंसान जो है पूरा दिन पानी भरने के लिए टाइम वेस्ट कर रहा है अपने जीवन का, है ना, तो 500 मीटर के अंदर उसको ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए, बैंक सर्विसेज उसको अवेलेबल होना चाहिए, एग्रीकल्चरल जो लेवल है उसकी कंडीशन क्या है, उसकी इनकम जो स्टेटस है वो किस तरह का है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पे किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी पर्टिकुलर रीजन को बैकवर्डनेस का सर्टिफिकेट दिया जाता है अगर लिटरल लैंग्वेज में बात करें। तो फ्रेंड्स ओवरऑल ये कुछ बातें थी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेकर इंडिया में, और हिमाचल प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है तो एक जो की है इसका जो 10:90% है, मतलब 10% स्टेट पैसा डालता है किसी प्रोजेक्ट में और 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट डालती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, और जो जनरल स्टेट्स हैं वहाँ पर ये रेशो 60:40 रहता है, ठीक है, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट डालती है और 60% जो होता है वो स्टेट को डालना होता है। तो ये मेन की है, तो ये याद रखें आप। सो अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, कोई अपडेशन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, जल्दी ही नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद।